लाहौर में पेश आने वाले सानिहा पीआईसी की शदीद अल्फाज में मजम्मत। सुप्रीम कोर्ट के 56 सीनियर वकला का पाकिस्तान बार काउंसिल को मजम्मती खत। हमला वकला का गैर जिम्मेदाराना और नाकाबिल यकीन फेल करार। वकला ने खत में लिखा है कि बदकिस्मती से इस वाकये ने वकालत के पेशे को बदनाम किया। बतौर कानूनदान कानून पर सख्ती से अमल दरामद हमारी जिम्मेदारी है। हम पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। पब्लिक प्रॉपर्टी और अस्पताल पर हमले का कोई जवाब नहीं पेश किया जा सकता। सीनियर वकला की जानिब से खत में बार काउंसिल्स और एसोसिएशंस की जानिब से हड़ताल की कॉल्स पर अफसोस का इजहार किया गया है और कहा गया है कि एहतजाज के हक का मतलब अदालती अमूर का बायकॉट नहीं होता। खत में उम्मीद जाहिर की गई है कि ये सानिया पीआईसी में हिस्सा लेने वाले लाइसेंस याफ्ता वकला के खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। खत में मजीद कहा गया है कि हमें इस मामले पर माफी तलाफी नहीं करानी चाहिए और ना ही खुद को कसूरवारों के बीच खड़ा करना चाहिए। हमें अपनी कम्युनिटी को इंसाफ की फरहमी के लिए हजूम नहीं बनना है बल्कि कानूनी रास्ता अख्तियार करना है। खत पर कराची से मखदूम अली खान, लाहौर से अली सप्तैन फासदी, कोयटा से तारिक महमूद, मोहम्मद अली रजा, अरशद तैयब अली, बिलाल हसन और दीगर वकला के दस्तखत मौजूद हैं।